हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आज का जो मेरा वीडियो है वो है एक डिफरेंट हेयर ऑयल के ऊपर। अब आप बोलेंगे हेयर ऑयल तो हम बचपन से लगाते आ रहे हैं, नानी दादी चाचा चाची सब पूरे खानदान आपको बचपन से चंपी करता हुआ आ रहा होगा, सभी कराते हैं, मैंने भी बहुत चंपी कराई है तेलों की। मगर ये वीडियो, ये जो ऑयल मैं आज लेके आ रहा हूँ, ये यूनिक क्यों है, क्या इसमें खासियत है और ये कैसे वर्क करता है बाकी तेलों के मुकाबले, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कैसे देता है, मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो कोई बनाऊँ आपके लिए अच्छी चीज़ें लेके आऊँ तो आपको फिर से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो, इस वीडियो के बारे में बताता हूँ। ये है वर्जिनिको हेयर ऑयल के ऊपर, इसकी पैकिंग बहुत ही सुंदर है, थोड़ा कॉस्टली ऑयल है, बट ये कॉस्टली क्यों है मैं आपको बताऊंगा और बाकी ऑयल के मुकाबले इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे कैसे हैं, कैसे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है मैं ये भी बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले 8 डिफरेंट फर्मेंटेड ऑयल मिक्स्ड है, 8 डिफरेंट, 8 अलग टाइप के इसमें ऑयल का ब्लेंड है जो कि फर्मेंटेड ऑयल है और इसमें ट्रोकोट्राइनॉल है। तो ट्रोकोट्राइनॉल क्या होता है, ये विटामिन ई का एक पार्ट होता है। वो अभी तक आपने जितने भी मार्केट में विटामिन ई के कैप्सूल देखे होंगे, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि लोग उसमें एवियन के कैप्सूल लेता है विटामिन ई के और उसको बालों में लगाने को बोलते हैं, चेहरे में लगाने को बोलते हैं, तो उसमें टोकोफिरॉल होता है, इसमें ट्रोकोट्राइनॉल है जो कि 40-60% ज़्यादा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है टोकोफिरॉल से। मतलब ये विटामिन ई के दो पार्ट होते हैं, टोकोफिरॉल एंड टोकोट्राइनॉल, तो इसमें टोकोट्राइनॉल है बाकी सब में टोकोफिरॉल होता है। तो ये ऑयल जो इम्पोर्ट किया जाता है, इस कंपनी जो इम्पोर्ट करती है, फॉरन से इम्पोर्ट करती है, बाहर से इम्पोर्ट करती है, और इसमें टोकोट्राइनॉल है जिसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी कब काम आती है, जब कोई इन्फ्लेमेशन होता है, स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन हो गया, खुजली हो रही है, या आपको कोई डैंड्रफ हो रही है बिकॉज वो फंगल इन्फेक्शन होता है, या बहुत से लोगों को सर में छोटे छोटे दाने होते हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जब होता है तो उसमें ये आपके हीलिंग प्रॉपर्टी बढ़ा देगा, आपका जो इन्फ्लेमेशन उसको ख़त्म कर देगा। तो ये बाकी ऑयल में ये चीज़ नहीं होती है। अभी इसमें क्या है, बिकॉज में टोकोफिरॉल, इसमें टोकोफिरॉल है जो 40-60% ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। अब इसमें एक और खासियत क्या है, इसमें फर्मेंटेड ऑयल है, तो 8 डिफरेंट फर्मेंटेड ऑयल। तो 8 फर्मेंटेड ऑयल क्या होता है, फर्मेंटेड ऑयल अभी तक जो मार्केट में ऑयल आते हैं, आप जो बचपन से ऑयल लगाते आ रहे होंगे, उनमें उनका जो मॉलिक्यूलर साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ओके, अभी जो ऑयल को हमें पता है कि ऑयल का मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होता है, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उन सबको पता है, और मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा होशियार नहीं था केमिस्ट्री में, बट हाँ थोड़ा बहुत मुझे भी पता है। तो उसका जो मॉलिक्यूलर साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, बट इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से टच में ला के उस लैब में उस ऑयल को ब्रेक किया। तो अभी लैब में उस ऑयल को, जो फर्मेंटेड ऑयल होते हैं, जो डिफरेंट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हैं जिसमें हीटिंग नहीं करते हैं, तो उसके जो प्रॉपर्टी होती है वो डैमेज नहीं होती है, इसको फर्मेंट किया जाता है, फर्मेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू किया जाता है लैब के अंदर, इसको प्रोसेस किया जाता है, उसके इतने बड़े मॉलिक्यूल साइज को इतने तक कर देते हैं, छोटा ब्रेक कर दिया। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, जब ये मॉलिक्यूल साइज ब्रेक हो जाएगा तो ये एब्जॉर्प्शन इसका बढ़ जाएगा, आपकी स्कैल्प में इजीली एब्जॉर्ब होगा, हेयर शाफ्ट में इजीली एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्प्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ऑयल लगा लिया इसका मतलब नहीं है कि वो एब्जॉर्ब भी हो रहा है, कुछ कुछ ऑयल के एब्जॉर्प्शन अलग होते हैं, तो जो अगर ज़्यादा थिक ऑयल है तो उसका एब्जॉर्प्शन अलग होगा, थिन ऑयल का एब्जॉर्प्शन अलग होगा, तो इसमें एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। और ये कोल्ड प्रेस्ड है तो इसमें आपकी प्रॉपर्टी जो उसकी जो खासियत है वो नहीं डैमेज होती है। तो इसमें क्या क्या है, टोकोट्राइनॉल जो आपको बताया, इसमें कैमिला सीड ऑयल है, ग्रीन टी सीड ऑयल है, वर्जिन कोकोनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है, अर्गन सीड ऑयल है, एंड स्वीट आलमंड ऑयल है। आलमंड ऑयल आपने बहुत सारे मार्केट में देखे होंगे, तो इसकी एक बॉटल इक्वल टू 60 बॉटल ऑफ दैट आलमंड ऑयल, बिकॉज इसका मॉलिकुलर साइज छोटा है और इसमें ट्रोकोट्राइनॉल है। तो ट्रोकोट्राइनॉल क्या करता है, बेसिकली आपके इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेगा और साथ में उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बढ़ा देगा। तो अगर आपके बालों की शाफ्ट, बहुत से लोगों के बालों की शाफ्ट पतली हो जाती, थिनिंग होगी, अगर आपको थिनिंग हो रही है तो आप इसको अप्लाई करिए, आपकी शाफ्ट को थिक करेगा, बाल मोटे कर देगा, और इसको अगर रेगुलर यूज़ करते हैं 2-4 महीने तो ये आपके धीरे धीरे फॉलिंग कंट्रोल करके साथ ही साथ ये आपके बालों की ग्रोथ को भी बढ़ा देगा। इसमें और क्या खासियत है, तो इसमें साथ में एक बहुत ही प्यारा ये लिफलेट है, इसके अंदर पूरे डिस्क्राइब किया है कंपनी ने, और ये बॉटल इसकी बहुत सुंदर सी बॉटल है, इस टाइप की फ्रॉस्टेड बॉटल है। साथ ही साथ इसमें एक ये आया है,
इसको आपको खोल के और इसका स्टॉपर हटा के आपको इसको फिक्स करना है और पंप के थ्रू आपको इसको निकालना है। तो ये पूरा एकदम सील हो जाता है, तो आप जब जब ओपन करोगे फुल ऑयल एयर के कॉन्टेक्ट से नहीं आता है। तो ये ऑयल की बॉटल बहुत प्यारी सी इसमें दी हुई है। इसमें एक खासियत, अच्छा मैं आपको बता दूं कि हेयर फॉलिंग के कारण, तो हेयर फॉलिंग के डिफरेंट डिफरेंट कारण होते हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम होता है लोगों को, पीसीओडी होता है फीमेल्स में, जेनेटिक बैलेंस होती है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया खानदानी का जापान जो होता है, स्ट्रेस इंड्यूस हेयर फॉल होता है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, बीमार हो जाओगे, कोई बहुत ज़्यादा कहीं घूम के आ जाओगे तो भी आपको स्ट्रेस इंड्यूस हेयर फॉल हो सकता है, टिलोजेनिक फ्लुविम कहते हैं। और जो हमारी बालों की लाइफ साइकिल होती है, एनाजिन कैटाजिन टिलोजन, एनाजिन में हेयर ग्रो करता रहता है, कैटाजिन में इंटैक्ट रहता है, टिलोजन में झड़ जाता है। तो 50 से 100 बाल एक दिन में झड़ना नॉर्मल है, तो आप डरना नहीं कि आपके बहुत सारे बाल झड़ गए बिकॉज 50 से 100 बाल, ये नॉर्मल चीज़ है। तो ये झड़ के उगते हैं, ग्रो होते हैं। जो अपने हेयर की साइकिल होती है, जो मैंने आपको बताया कि एनाजिन में ग्रो होता रहता है, टिलोजन में झड़ जाता है, अभी ये जब आप ऑयल यूज़ करते हैं तो माइट भी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा हेयर फॉल ज़्यादा दिख सकता है, और जब आप उसको रब करेंगे तो आपके हेयर फॉल हो सकते हैं, वो टिलोजन फेस के हेयर फॉल ही होंगे। तो वो जब डैमेज बाल टूटेंगे तभी नए बाल ग्रो होंगे, तो डरने वाली बात नहीं है। दूसरी बात इसमें, और हमारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं लाइक पॉल्यूशन के कारण हेयर फॉल ज़्यादा होता है, या पुअर सर्कुलेशन, स्कैल्प में सर्कुलेशन बहुत कम है तो हेयर फॉल आपका हो सकता है, या आपको एक्सरसाइज आप कम करते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करेंगे तो ये चीज़ें रिजल्ट और अच्छा देंगी आपको हेयर फॉलिंग में कंट्रोल करने में। आप एक चीज़ में क्लियर बता दूं, अगर आपको स्ट्रेस इंड्यूस है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण हेयर फॉल हो रहा है, लाइक आयरन डेफिशिएंसी के कारण हेयर फॉल हो रहा है, तो ये रिजल्ट्स के बहुत अच्छे आएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपको पैटर्न पालने से खानदानी का जापान है पूरा एकदम साफ हो चुके हैं बाल और आप इसको लगाएंगे तो बाल ग्रो करा देगा, नहीं, ये एग्जिस्टिंग बाल जो है उसको थिक करेगा, मोटा करेगा, हेयर ग्रोथ को बढ़ा देगा, बिकॉज ये आपका हेल्प करेगा एंटी इन्फ्लेमेशन में। अगर आपको डैंड्रफ के कारण हेयर फॉल हो रहा है, बहुत से लोगों को होता है डैंड्रफ के कारण हेयर फॉल हो रहा होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, उसमें वर्क करेगा। बट अगर खानदानी गंजापन है या कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी के कारण, डिस्टर्बेंस के कारण अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो ये उसमें उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज जब तक हार्मोनल प्रोफाइल आपकी प्रॉपर ठीक नहीं होगी, रेगुलेट नहीं होगी, ये क्या कर लेगा बेचारा ये छोटू सा ऑयल, ठीक है। तो इसको लगाने का तरीका ऐसा है, इसको आपको डेली नाइट में अप्लाई करना है, दिन में आप हफ्ते में 2 या 3 बार अप्लाई कर सकते हो, लगा के इसको लेके आपको अच्छे से मसाज करना है। देखो आपके उंगली के पोरों से मसाज करेंगे, वहाँ पे जब आप पोर से मसाज करेंगे तो वहाँ पे खून का फ्लो भी बढ़ेगा, खून का फ्लो बढ़ेगा तो जो आप न्यूट्रिटिव खाना खाते हैं उसमें जो वाइटामिन होते हैं वो ईजिली ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण हेयर तक मिलेगा, तो वहाँ की रूट्स इसको स्ट्रांग हो जाएगी। नहाना कैसे, नहाते समय आप इसको नेक्स्ट मॉर्निंग में नहा सकते हैं, और नहाने के बाद आपको इसको करना क्या है, जब आप नहाएं तो एकदम बहुत गर्म पानी से मत नहाइएगा, आपको ल्यूक वार्म वाटर से नहाना है और ना ही एकदम ठंडे पानी से नहाना है। एकदम गर्म पानी से आप नहाएंगे तो आपके हेयर ड्राई अप हो जाएंगे, तो ये उस चीज़ को बचाएगा। और इसमें और क्या है, ठीक है, इसमें बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया है। इसकी जो खासियत है उसमें ट्राइकोट्रेनॉल है, और इसमें 8 डिफरेंट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, तो और ये पैराबेन एंड मिनरल ऑयल फ्री है, इसमें पैराबेन नहीं है और जो मिनरल ऑयल है वो भी नहीं है। इसकी प्राइस है 882 की प्राइस है, थोड़ा कॉस्टली है प्रोडक्ट, बट बिकॉज में जो फीचर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं अच्छे कि वो थोड़ा प्राइस कॉस्टली तो होना ही है, बिकॉज फर्मेंटेड ऑयल है, उसमें खर्चा कंपनी को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है फर्मेंट करने के लिए, बिकॉज उसके रिजल्ट्स तभी बढ़ेंगे। तो ये मार्केट में एकदम नया है, बिकॉज अभी तक इंडियन मार्केट में कोई भी ट्राइकोट्रेनॉल के साथ कोई ऑयल नहीं आता है, और इसमें कोल्ड प्रेस्ड फर्मेंट, तो मानना यह है कि इसको आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, इसको ट्राई कीजिए। ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये आपको मिलेगा अमेजोन पे मिल जाएगा, आपको गूगल करना है, आपको लेस्कोमिक पे मिल जाएगा, और भी आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे सब जगह आपको ये मिल जाएगा। इसकी प्राइस है 882, तो इसको यूज़ कर लीजिए, और इसको ऐसा नहीं कि आपने आज लगाया तो कल बाल उगने लगेंगे, ऐसा मत सोचना, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ऑयल को वर्क करने के लिए। बट येस, ये बाकी डिफरेंट ऑयल से बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, बिकॉज इसमें जो मैंने बताया कि प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है और ये फर्मेंटेड ऑयल है, तो इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे से होंगे और वो एब्जॉर्ब करके बालों की शाफ्ट में बालों को शाइन और लश्कर ज़्यादा देगा। तो कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको वेट करूँगा इंस्टाग्राम पे, और इसको जाके फट से वर्जिनिको हेयर ऑयल को जाके परचेस करिए और इसको अप्लाई करिए, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, डैंड्रफ वैंड्रफ, हेयर फॉल, हेयर लॉस, कुछ भी, उसको क्योर कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय।